Hello everyone in this lecture we are going to study powers of joint commissioner असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पावर्स ऑफ सीबीटी की थी पावर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल की थी आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ जॉइंट कमिश्नर असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सबसे पहली बात की इनको इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है केंद्रीय सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है अब बात ये आती है कि इनके पास क्या क्या पावर्स और क्या क्या इनके अधिकार हैं तो उसमें सबसे पहला टू हैव द सेम पावर्स एज अ अ वेस्टेड इन कोर्ट यानी कि कि जैसे ऑफ सिविल प्रोसीजर में इनको जो भी कोर्ट में पावर्स मिली हुई हैं वो सेम पावर्स इनको इनकम टैक्स एक्ट भी देता है सेकेंड पावर्स रिगार्डिंग डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस यानी कि किसी भी चीज की वजह से किसी भी रीजन की वजह से अगर जॉइंट कमिश्नर असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को ये लगता है कि उन्होंने किसी भी पोर्सन की आ, ज्यादा तो नहीं रख सकते और अगर उनको पंद्रह दिन से ज्यादा रखना है तो उसके लिए उनको एक प्रायर अप्रूवल लेना होता है चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल और कमिश्नर से क्लियर थर्ड पॉइंट देखो

कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कॉल कर सकते हैं पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन अगेन इंक्वायरी थी यहाँ पर सिंपल यहाँ पर वो सूचना मांग सकते हैं उनसे कि किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड अगर उनको कहीं पर भी कोई डाउट आता है किसी भी असेसमेंट को लेकर के तो ज्वाइंट कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ सर्वे अब सर्वे का मतलब वो जाकर के किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस में और वो प्लेस ऑफ बिजनेस ऐसे नहीं कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हर जॉइंट कमिश्नर को असेसिंग ऑफिसर को एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है उनको एक एरिया असाइन किया होता है तो जो एरिया उनकी पावर्स के अंडर आता है वो उस एरिया में किसी भी बिजनेस के ऑफिस में जाकर के उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनका कैश उनका स्टॉक या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल जहां पर भी जिससे भी उनको लगता है कि कहीं पर टैक्स की कोई कंसीलमेंट की जा सकती है इनकम की तो वो उस प्लेस का प्रॉपर सर्वे कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ द कंपनीज़ उनके पास ये भी राइट्स है कि वो किसी भी कंपनी के ठीक है रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसकी एक प्रतिलिपि और एक उसकी कॉपी भी मांग सकते हैं किसी भी रजिस्टर ऑफ द की डिबेंचर होल्डर्स की और मोड केजेस ऑफ द कंपनी इन सब की कॉपी वो डिमांड कर सकते हैं और उनको इंस्पेक्ट भी सकते हैं सेवन टू मेक एनी इंक्वायरी टू मेक एनी इंक्वायरी यानी कि वो कोई भी इंक्वायरी किसी भी चीज से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड जो कि उनको लगता है कि टैक्स इंसिल्मेंट में हेल्पफुल हो सकती है किसी भी व्यक्ति के तो वो उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं 8 कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड यानी कि वो कोई भी रिकॉर्ड उनसे मांग सकते हैं और उसकी छानबीन कर सकते हैं सो दॉज ऑल अबाउट ज्वाइंट कमिश्नर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील की इनकम टैक्स अपील कमिश्नर के पास क्या क्या पावर्स होती है तो इनकी पहली पावर देखो बच्चो पावर रिगार्डिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस कि इनके पास ये पावर है कि वो कोई भी सबूत मांग सकते हैं और उसके लिए छानबीन भी कर सकते हैं क्लियर किसका सबूत और किसकी छानबीन जहां उनको लगता है कि किसी भी पर्सन ने कोई भी इंशन कंसील की है अपनी इनकम से रिलेटेड तो उस पर्सन से वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं सेकंड पॉइंट पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन सेम पॉइंट है जहां पर उनको लगता है किसी भी मैटर में किसी भी पर्सन ने किसी भी क्लास ऑफ पर्सन ने कोई भी इंफॉर्मेशन कंसिल की है अपने अफेयर से रिलेटेड तो वो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है और डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो है वो डिमांड कर सकते हैं पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ द कंपनीज उनके पास ये राइट right है कि वो किसी भी कंपनी के रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं बच्चों सेम पॉइंट्स है जो भी हमने पढ़े थे देर इज नो डिफरेंस फोर्थ सेट ऑफ ऑफ रिफंड अगेंस्ट एरियर ऑफ टैक्स ये भी पॉइंट हमने पिछले में डायरेक्टर जनरल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी पर्सन का कोई इनकम टैक्स का ड्यू पेंडिंग है एरियर है तो और इस साल ने रिफंड क्लेम है तो हम तो इनके पास कमिश्नर के पास ये पावर कमिश्नर अपील्स के पास ये पावर है कि वो उसके फंड वाला जो पैसा है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं उसके एरियर्स के साथ लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो ऐसी करने की जो इंफॉर्मेशन है वो उनको उस पर्सन को रिटर्न में देनी चाहिए देनी होती है क्लियर एंड द नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ अपील डिस्पोजल ऑफ अपील मीन्स अब ये कमिश्नर इनकम टैक्स अपील है यानी कि इनको कोई भी पर्सन ने अपील किया हुआ है तो अब इन्होंने उस अपील को डिस्पोज करना, करना है उसको खत्म करना है उसको सुलझाना है तो उसको सुलझाने का अधिकार किसके पास है कमिश्नर अपील्स के पास ही है ठीक है तो वो अपील में क्या क्या कर सकते हैं अब अपील किस कोई पर्सन क्यों करता है हो सकता है किसी पर्सन ने अपील की है कि भी मेरा तुमने जो इंक्वायरी में टैक्स ज्यादा बना रखा है इतना नहीं बनता तो उनके पास ये राइट right है कि उस पर्सन ने जो भी अपील की है वो उसकी अपील को कंफर्म कर सकते हैं उसमें जो टैक्स का अमाउंट लिखा है उसको कम कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं या उसको बोल सकते हैं कि अपनी फ्रेश असेसमेंट दोबारा से सारा असेसिंग ऑफिसर को बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति की दोबारा से एक असेसमेंट बनाई जाए और इस तरीके से बनाई जाए तो उस उनके पास मतलब ये उस अपील को डिस्पोज करने का पूरा राइट है है, उस तरह उस पूरे राइट्स है और वो उस अपील को उस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं जिस तरह से उनको सही लगता है और दैट इज बेनिफिशियल फॉर द असेसी एंड फॉर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट सेकंड इन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इंपोजिंग अ पेनल्टी ही मे कंफर्म और कैंसल सच ऑर्डर और वेरी इट सो एज टू ईदर टू एनहांस और रिड्यूस द पेनल्टी तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने उनके उनको किसी पेनल्टी से रिलेटेड अपील की है जिसमें उसने ये कहा है कि भी हमारी पेनल्टी जो है वो कैंसल कर दी जाए या कम कर दी जाए और उनको उस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है कि इस पेनल्टी को कम किया जाना चाहिए बढ़ाया जाना चाहिए खत्म किया जाना चाहिए तो जो भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका वो उसका रिलेटेड एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट इन केस इन एनी अदर केस ही मे पास सच ऑर्डर इन अपील्स एज ही थिंग्स फिट यानी कि उस केस की जब भी किसी पर्सन ने अपील किया किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के तो वो उस प्रॉब्लम का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको जो भी डिसीजन में जो भी सही लगेगा उस पर्सन और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को लेकर के और जो भी जेनुअनली जस्टिफाइड होगा उसके बेसिस पर जो है ये डिसीजन कमिश्नर अपील ले सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इट इज नोटेड दैट एन असेसमेंट और और अ कैन नॉट बी द अमाउंट ऑफ रिफंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड अनलेस द हैज द है अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट सच एनहैंसमेंट और रिडक्शन ध्यान से सुन समझो इस बात को कि यदि अगर अपने ऑर्डर में कमिश्नर अपील ने किसी भी पर्सन की पेनल्टी बढ़ा दी है या उसका रिफंड का अमाउंट कम कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कम कर बता देंगे कि हाँ जी इतना कम हो गया नहीं उससे पहले फाइनल जो डिसीजन आएगा उससे पहले जो भी एप्लीकेंट होगा एपल्ट होगा जिस भी पर्सन ने अपील किया है उस पर्सन को एक सुनवाई का मौका देना जरूरी है बिना सुनवाई का मौका दिए कमिश्नर अपील ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता उसकी, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं छुप दी है उसने इंफॉर्मेशन को कंसील किया है किसी भी रीजन की वजह से उसने टैक्स की चोरी की है तो ऐसे केस में कमिश्नर अपील्स के पास ये राइट है कि वो के ऊपर जो है पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं yes, like uh, बच्चों एक चीज ध्यान रखो जब आप ये चैप्टर लर्न करते हो, तो यू विल फाइंड इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हैं। तो कॉमन पॉइंट्स में क्या होता है हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो इसका भी था और ये इसका भी था तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज टू मेक द पॉइंट लिस्ट ऑफ पॉइंट्स ठीक है अब वो कॉमन पॉइंट्स की लिस्ट बना ली जाए और ये उन लिस्ट पॉइंट्स को लर्न करके आप नीचे लिख लो कि ये पावर इस अथॉरिटी की है तो दिस इज द बेटर वे टू लर्न दिस चैप्टर थैंक यू